असीम बोला जो बयान दिया वो सराहे गलत बोला है। आज भारत अपने क्वालिटी और अपने स्वच्छता अभियान जो अपने स्वच्छता फेरी है उनके कारण नंबर वन आया है। और उसको क्या मालूम इंदौर के बारे में, ज्यादातर वो तो आते हैं दो चार दिन में कभी चले जाते हैं। उन्होंने सरासर गलत बयान करा, हमारे महापौर जी ने वो अच्छा काम किया जो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करा। तो इंदौर में थे, उन्होंने कहा कि अवार्ड खरीदा गया है, छह अवार्ड से लगातार इंदौर नंबर वन है। उसके बाद भी एक से लेकर छह अवार्ड वन खरीद लेंगे क्या, सातवीं बार में इंदौर नंबर वन आएगा। भोपाल की बात की गई है कि इंदौर से बेहतर भोपाल है, क्या लगता है आपको, आप इंदौर में रहते हैं? वैसा मैं तो इतनी ही बात कहना चाहूंगा, अपन किसी भी चीज के किसी से कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। अगर आज कोई आदमी मेहनत से अपनी लगन से अगर इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए लगा हुआ है, उसके बाद अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी की जा रही है और ऐसे आदमी के द्वारा की जा रही है, आप पहले आपका आचरण तो देखिए, आप किस चीज को बिलोंग कर रहे हो और आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे इंदौर वासियों को लेकर। इंदौर की जो कर्मशील जनता है, यहाँ के जो कर्मशील हमारे नेता है, हमारे बड़े भाई साहब आकर जी वर्गी जी है, सुमित्र भार्गव जी है, जनजन के लाडले आदरणीय कैलाशी विजय जी भाई साहब है, रमेश जी मेंदुला जी भाई साहब है, आज ये एक तरीके भाई साहब जनता की सेवा में किस तरीके से लगे रहते, इस प्रकार से कार्यभार को आगे अंजाम देते, उसके बाद लगता है कि उनकी टिप्पणी को अपन कितना सही और कितना गलत मानिया, इस प्रकार से अपन बातें करें। ऐसे लोगों के मुझे तो काली पोतना चाहिए और उन्हें सर्वप्रथम पूरी इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए और सोशल मीडिया पे आके इस बात पे खेल व्यक्त करना चाहिए कि मैं आगे इस प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करूं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, आज वो एक ट्वीट किया उन्होंने और ट्वीट में कहा कि माफी तो मांग रहा हूं लेकिन जनता से नेताओं से नेता का जनता नेता सभी नहीं समान में। यहाँ पे तो जो इंदौर है जो स्मार्ट सिटी है तो इंदौर की जो स्वच्छता है वैसे स्वच्छ यहाँ पर लोग नहीं है। आप देखो ना इतने अच्छे अच्छे चेहरे यहाँ, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग नहीं है जो इंदौर में। क्या लगता है कितना उचित है इस तरह का बयान? जी ये तो बयान तो सरासर गलत है ना। आप यहाँ इंदौर आओ, यहाँ देखो, यहाँ के लोगों को देखो, यहाँ की स्वच्छता देखो, फिर आप बयान दो। आकाश विजय भी कह रहे थे कि हो सकता है शराब के नशे में इस तरह का बयान दिया दे रहे हो। हाँ तो बिल्कुल हो सकता है, शराब के नशे में होंगे तभी तो ऐसा बयान दिया होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से देखते हैं अश्लील ब्लॉगर के बयान। अश्लील ग्रोवर जी के नाम में अश्लीलता झलकती थोड़ी सी, ऐसा मेरा मानना है। और इंदौर माय इंडिया की नगरी है, इंदौर के सभी लोगों ने दिन रात एक करके इसको नंबर वन बनाया है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि खरीद के लाया है तो ये तो वही वाली बात हो गई, कोई बच्चा 99% से पास होता है और उसके माता पिता बोल जाए आके कि हमने इसको तो पैसे से पास करा, तो उस बच्चे पे जैसे बिल्कुल वैसे संपूर्ण इंदौर के नागरिकों पर रहती है। और मैं अश्लील ग्रोवर जी से कहना चाहूंगा कि आप माफी मांगे इस बात के ऊपर कि आपने इंदौर के प्रत्येक नागरिक का मन दुखाया है, दिल दुखाया है, उसके लिए आप माफी मांग सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में कहा है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, माफी मांगता हूँ इंदौर के नागरिक से लेकिन डरूंगा नहीं किसी से। नहीं डरने, ये तो ऊपर से वही वाली बात हो गई, चोरी और सीना जोड़ी, डरने की बात नहीं है कि आपको सबसे माफी मांगना चाहिए। आप जनता से माफी मांग रहे हो तो प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक उस समाज से, प्रत्येक उस व्यक्ति से सबसे माफी मांगना चाहिए आपको। इंदौर के प्रत्येक रहवासी से आपको माफी मांगना चाहिए और हम सब मिलकर पूर्ण जोर विरोध करते हैं अश्लील ग्रोवर जी का। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से देखते हैं अश्लील ग्रोवर की। इंदौर संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत का एक विकसित और आधुनिक देश बनता जा रहा है और इंदौर स्वच्छता में लगातार सेवा नंबर वन है। उसके मद्देनजर रखते हुए तत्वाधान में लेकर हमारे सफाई कर्मियों ने आज तक जो भी संघर्ष किया, हमारे संघर्ष को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी हक की लड़ाई, उनकी बोतल हमेशा लड़ते रहते लेकिन उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें भी मैदान में उतरना चाहिए। अश्विन ग्रोवर जैसे जितने भी आपत्तिजनक तत्व है और इधर अपने जो भ्रमक अफवाह इसलिए फैला रहे हैं कि भ्रमक अफवाह का हमें संपूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। और हमारे इंदौर का संपूर्ण व्यक्ति हमें अंतिम लेकर अंत्योदय तक ये प्रयास करता है कि इंदौर संपूर्ण नंबर वन कैसे बने। और इंदौर के लिए हम गरिमा में बात बहुत रहती कि छह बार इंदौर नंबर वन आया, हम सातवीं बार में यही ईश्वर से कामना करते हैं। हमें सफाई करने पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि वह वापस इंदौर सातवीं बार में नंबर वन आएगा और हमें संपूर्ण आशा विश्वास है। उन्होंने कहा है कि इंदौर में सफाई होती नहीं है, ये सब भ्रमक तत्व अफवाह है। क्योंकि क्या होता है कि वैसे किसी की उन्नति तो रहती है, शिखर पर इंसान जाकर तो उनसे देखी नहीं जाती है, तो वो ज्वलनशील पदार्थ उस प्रकार के रहते हैं कि अपनी वाणी को विराम नहीं दे पाते किसी तत्वों के। क्योंकि अपने को ये सबको समाज की बुराइयों का हमें अपेक्षित करके इकट्ठा चिन्हित करके हमें अपने समाज से बिल्कुल सारी बुराइयां जो भी सबको हटाना है। तो इंदौर के नागरिक ही इस बयान का।